नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेडिकली स्पीकिंग पर और मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा। सर्दियों की गुनगुनी धूप में घंटों बैठकर परिवार के साथ बातें करना, मटर छीलना, हरी पत्तेदार सब्जियां साफ करना, स्वेटर बुनना या फिर घंटों की नींद लेना जैसी बचपन की यादें हम सभी के जहन में है। एक समय था जब सर्दी की शुरुआत होने के साथ ही लगभग हर घर में धूप सेकने का शेड्यूल शुरू हो जाता था। हालांकि आज सभी अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो गए हैं कि धूप सेकना भूल ही गए हैं, या यूं कहें कि चाहते हुए भी इसके लिए समय नहीं मिल पाता। वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ टाइम पास का जरिया मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ठंड से राहत पाने के लिए धूप में बैठना न सिर्फ आपको शारीरिक रूप से मजबूत करता है बल्कि ये आपको मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रखता है। क्या है धूप में बैठने के फायदे, चलिए जानते हैं। सर्दियों में धूप सेकने से आपकी नींद बेहतर होती है, इससे आपकी सर्कैडियन लय में सुधार होता है। सर्कैडियन लय एक प्रकार की 24 घंटे की आंतरिक घड़ी है। जब हमारे वातावरण में हल्के परिवर्तन होते हैं तो यह हमारी नींद के चक्र को नियंत्रित करता है। धूप में बैठने से इसमें सुधार होता है और हमें नींद अच्छी आती है। वहीं सूरज की रोशनी मेलाटोनिन का स्राव नियंत्रित करने में मदद करती है। मेलाटोनिन भी अच्छी नींद को बढ़ावा देता है। ठंड के मौसम में धूप में बैठने से आपको आंतरिक खुशी मिलती है। दरअसल इससे शरीर में हैप्पी हॉर्मोन्स कहे जाने वाले सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है। ये हॉर्मोन डिप्रेशन को कम करता है और आपको खुश रखने में भी मददगार होता है। इससे मानसिक संतोष मिलता है। सर्दियों में धूप सेकने से आपका फोकस बढ़ता है और याददाश्त मजबूत होती है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी से शरीर में कई परेशानियां होने लगती हैं। विटामिन डी के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। ये शरीर में एनर्जी का स्तर बनाने में भी मददगार होता है। ये डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स और कुछ कैंसर के खतरों को भी कम करता है। विटामिन डी ऑस्टियोपोरोसिस के विकास के जोखिम को कम करता है। सर्दियों में धूप में बैठने से आप इस विटामिन को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। सर्दियों में अक्सर लोग आलस महसूस करते हैं, लेकिन सूरज का प्रकाश आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाने में मददगार बनता है। धूप सेरोटोनिन के उत्पादन को उत्तेजित करती है, जिससे आपके शरीर में उत्पादकता बढ़ती है। सेरोटोनिन हमारे ब्रेन तक संदेश पहुंचाने का, यानी कि इन्फॉर्मेशन कैरी करने का काम करती है। इसकी कमी से ब्रेन सेल तक संदेश ठीक से नहीं पहुंच पाते। ऐसे में ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण हार्मोन है जो कि धूप सेकने से आपको मिलेगा। वहीं इसकी कमी से तनाव, नींद कम आना, फोबिया, सिजोफ्रेनिया जैसे खतरे बढ़ सकते हैं। मजबूत इम्यूनिटी के कारण आप कई बीमारियों से बच पाते हैं। सर्दी की धूप आपके लिए इम्यूनिटी टॉनिक के रूप में काम करती है। धूप के कारण आपके शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन तेज होता है। ऐसे में आप कई प्रकार के संक्रमण और बीमारियों से लड़ पाते हैं। साथ ही धूप की कमी के कारण होने वाले सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का खतरा भी कम होता है। चलिए मिलते हैं एक नए हेल्थ रिलेटेड कंटेंट के साथ। तब तक यूं ही बने रहिए आपके अपने चैनल मेडिकली स्पीकिंग पर। धन्यवाद।